नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है कानून को आसान भाषा में समझने के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लॉ इजी। और आज हम लोग समझने वाले हैं एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन एक प्रकार का अपराध होता है। कई बार आप लोगों ने शब्द सुना होगा एक्सटॉर्टिंग मनी। एक्सटॉर्टिंग मनी यानी धन वसूल करने के लिए धमकी देना। तो एक्सटॉर्शन को हम सामान्य भाषा में ब्लैकमेल कहते हैं और इसे हिंदी में इसका लीगल शब्द है उद्दापन। तो आइए हम समझते हैं टुडेज टॉपिक एक्सटॉर्शन। आज हम समझने वाले हैं एक्सटॉर्शन क्या होता है और इसे हिंदी में लीगल शब्द इसका है उद्दापन, जो एक प्रकार का अपराध होता है और ये संपत्ति के विरुद्ध एक बहुत बड़ा अपराध माना जाता है और इसे हम सामान्य भाषा में ब्लैकमेलिंग कहते हैं। यद्यपि ब्लैकमेलिंग जो होता है ये अनेक पर्पजेस से हो सकता है, ब्लैकमेल करना अलग अलग प्रकारों से होता है, लेकिन यही ब्लैकमेल सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के संबंध में हो, भले वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, यदि संपत्ति के मामले में ब्लैकमेल किया जा रहा है तो ये सीधे सीधे एक्सटॉर्शन कहलाएगा। तो एक्सटॉर्शन एक लीगल वर्ड है और इसको आईपीसी में 383 में भी रखा गया है। आइए समझते हैं एक्सटॉर्शन होता क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ क्राइम। तो सबसे पहले एक्सटॉर्शन एक प्रकार का अपराध है और अपराध अलग अलग प्रकार के होते हैं। हम सभी को बताएं ऑफेंसेस आर वेरियस काइंड्स, है ना, अलग अलग प्रकार के अपराध होते हैं। कुछ अपराध शरीर के खिलाफ होते हैं, हत्या, मारपीट करना, चोट पहुंचाना, किडनैप करना, ये शरीर के विरुद्ध अपराध है। ऐसे ही कुछ अपराध प्रॉपर्टी के खिलाफ होते हैं, चोरी, लूट, डकैती, धोखाधड़ी। तो इसी प्रकार एक्सटॉर्शन जो होता है ये भी एक प्रॉपर्टी के विरुद्ध अपराध होता है। तो एक्सटॉर्शन इज द ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो ये जो एक्सटॉर्शन है, ये जो ब्लैकमेलिंग वाली बात हो रही है, ये किसके लिए हो रही है, प्रॉपर्टी के विरुद्ध अपराध की बात हो रही है। तो जो व्यक्ति किसी व्यक्ति को थ्रेट यानी भय में डालता है, पुट इनटू फियर यानी भय में डालता है, मतलब उसे डराता है, धमकाता है, ये प्रॉपर्टी मुझे दे दो नहीं तो मैं ऐसा कर दूंगा, तो इस प्रकार वो क्या कर रहा है, ही इज डूइंग एक्सटॉर्शन। तो वो कर रहा है एक्सटॉर्शन। उदाहरण के तौर पर एक्स ने वाई को ये कहा कि तुम ये मकान मेरे नाम कर दो नहीं तो मैं तुमको 2 महीने के अंदर मार दूंगा। तो यहां पर एक्स ने वाई को क्या किया, एक्सटॉर्ट किया है। या हम ये भी कह सकते हैं यदि एक्स वाई से कह रहा है कि मैं तुम्हारी फसल में आग लगा दूंगा अगर तुमने मुझे 1,00,000 रुपए नहीं दिए तो मनी के लिए भी हो सकता है। यानी एक्स ने वाई को कहा कि अगर तुमने 1,00,000 रुपए नहीं दिए तो मैं तुम्हारी फसल पे आग लगा दूंगा, डर के मारे वाई ने पैसे दे दिए। यहां पर एक्स ने एक्सटॉर्शन किया। तो यहां पर एक्सटॉर्शन का मतलब होता है किसी व्यक्ति को धमकाना, भय में डालना प्रॉपर्टी डिलीवर करने के लिए। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा एक्सटॉर्शन इज अ काइंड ऑफ थ्रेट। ये एक प्रकार का थ्रेट होता है, धमकी होती है जिसमें जो विक्टिम को दी जाती है, विक्टिम मतलब पीड़ित पक्ष को दी जाती है, पीड़ित के अलावा उसकी फैमिली मेंबर्स को भी दी जा सकती है या उसके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को भी दी जा सकती है। तो जरूरी नहीं कि वह व्यक्ति उसके शरीर को नुकसान पहुंचाने की बात कर रहा है, वो ये भी कह सकता है कि मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगा, मैं तुम्हारे रिलेटिव को मार दूंगा। तो इस प्रकार किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की धमकी देकर भी प्रॉपर्टी ली जा सकती है, ये भी एक्सटॉर्शन ही कहलाता है। तो ये बॉडी को भी इंजोर करने की बात हो सकती है या प्रॉपर्टी को भी कि मैं फसल को आग लगा दूंगा। तो प्रॉपर्टी को इंजोर करके भी, प्रॉपर्टी को क्षति पहुंचाने की धमकी देकर भी एक्सटॉर्शन किया जा सकता है। तो ये तो बात हुई एक्सटॉर्शन होता क्या है। अब जरा इसके कानूनी उपबंध देखते हैं। भारतीय दंड संहिता में इसे 383 में डिफाइन किया गया है। जो हमारे देश का पीनल लॉ है, इंडियन पीनल कोड, यानी हमारे देश का जो दांडिक कानून है, उस दांडिक कानून के सेक्शन 383 में इसको परिभाषित किया गया है। जो हम लोगों ने ऊपर समझा था यही परिभाषा है कि हुएवर, जो कोई व्यक्ति पुट इन टू फियर, किसी अन्य व्यक्ति को थ्रेट में डालता है बॉडी एंड प्रॉपर्टी, यानी उसकी शरीर और संपत्ति की हानि करने का उसको भय दिखाकर उसको इंड्यूस करता है कि अपनी प्रॉपर्टी डिलीवर कर दो, मतलब वो उसे ये कहता है कि संपत्ति या तो उसे डिलीवर कर दो या किसी अन्य को डिलीवर कर दो, यानी कुल मिला के सामने वाले व्यक्ति को प्रॉपर्टी का लॉस पहुंचा रहा है, तो ये एक्सटॉर्शन कहलाएगा। 383 में इसकी परिभाषा दी गई है। 384 में इसका पनिशमेंट बताया गया, 3 साल की सजा और जुर्माना। और आगे की धाराओं में इसके अलग अलग रूप बताए गए, जैसे उदाहरण के तौर पर 385 में पुटिंग इनटू फियर, किसी व्यक्ति को भय में डालना कि मैं तुम्हें इंजुरी पहुंचा दूंगा, इंजुरी मतलब क्षति पहुंचा दूंगा। या 386 में मारने की धमकी देना या ग्रीवियस हर्ट यानी गंभीर चोट पहुंचाने की धमकी देना। तो इसके अलग अलग फॉर्म्स बताए गए जिसके लिए दंड अलग अलग बताया गया। तो कुल मिलाकर यदि हम एग्जांपल देखें, एक्स वाई को धमकी दे रहा है कि ये कार मुझे दे दो नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा, डर के मारे वाई ने कार उसको डिलीवर कर दी। यहां पर एक्स ने ये प्रॉपर्टी कैसे लिया, एक्सटॉर्ट करके लिया, एक्सटॉर्ट मतलब एक्सटॉर्शन करके लिया। एक्स एक संपादक है पेपर में और उसने वाई को कहा कि मैं तुम्हारे खिलाफ आर्टिकल छाप दूंगा, डिफेमेटरी आर्टिकल, मानहानिकारक आर्टिकल छाप दूंगा, ऐसा आर्टिकल छापूंगा, ऐसा आलेख छापूंगा जिससे कि तुम्हारी
समाज में प्रतिष्ठा क्या होगी, मान सम्मान खराब हो जाएगा। तो डर के मारे वाई ने एक्स को प्रॉपर्टी डिलीवर कर दी कि मेरा आर्टिकल मत छापना। तो यहां पर एक्स ने क्या किया, एक्सटॉर्शन किया। तो ये एक्सटॉर्शन जो होता है ये प्रॉपर्टी से संबंधित ब्लैकमेलिंग होती है। एक्सटॉर्शन जो शब्द है ये एक्सटॉर्शन शब्द लेटिन भाषा के शब्द से निकला है। यदि आज हम आईपीसी का एक्सटॉर्शन वर्ड देखें देन इट हैज बीन डिलीवर्ड फ्रॉम द लेटिन, इट इज ओरिजिन फ्रॉम द लेटिन टर्म। एक लेटिन भाषा के शब्द से निकला जिसको हम एक्सटॉर्शियो कहते हैं। एक्सटॉर्शियो को ही ब्लैकमेल कहा जाता है, ब्लैकमेल रिगार्डिंग प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी से संबंधित ब्लैकमेल करने को ही एक्सटॉर्शियो, और एक्सटॉर्शियो मतलब एक्सटॉर्शन शब्द है। तो इसमें चार बातें बहुत महत्वपूर्ण होती है, एक तो डर होना चाहिए, फियर यानी थ्रेट होनी चाहिए, किसी प्रकार की धमकी होना चाहिए। बिना फियर बिना थ्रेट के एक्सटॉर्शन का अपराध कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता है, नहीं बन पाएगा। फिर ये जो फियर है इंटेंशनल होना चाहिए, इंटेंशनल मतलब मेंस रिया के साथ होना चाहिए, इंटेंशन का मतलब होता है जानबूझकर होना चाहिए। अब आप किसी को गुड फेथ में अगर डरा रहे हैं, मान लीजिए एक जंगल जो है इट इज फुल ऑफ डेकॉइट, कोई जंगल जहां पे डकैत हैं, तो आपने किसी व्यक्ति को कहा कि यार वहां पे बहुत डकैत है थोड़ा ध्यान से जाना, तो आपने उसको डराया, लेकिन आपकी बात सही थी, आपने तो उसको गुड फेथ में डराया, तो ये एक्सटॉर्शन नहीं है। तो फियर होना चाहिए, इंटेंशनल होना चाहिए, इंड्यूस टू डिलीवर प्रॉपर्टी। और आप क्यों डरा रहे हो, ताकि व्यक्ति अपनी संपत्ति, भले वो चल हो या अचल संपत्ति हो, मूवेबल हो या इमूवेबल हो, वो आपको क्या कर दे, डिलीवर कर दे। तो ये तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। और चौथा ये देखा जाए तो ये इसका छोटा रूप होता है थेफ्ट और इसका बड़ा रूप होता है रॉबरी। तो एक्सटॉर्शन इन दोनों के बीच में आता है, यानी चोरी से बड़ा अपराध है लेकिन लूट से थोड़ा कम छोटा अपराध है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो चोरी होती है ये थोड़ा छोटा अपराध है। चोरी मतलब किसी व्यक्ति को डर में डाले बिना कोई प्रॉपर्टी नहीं ले जाता है, बिना डर में डाले कोई प्रॉपर्टी ले गया तो वो चोरी होती है, लेकिन डर में डाल के प्रॉपर्टी ले रहा है तो वो होता है एक्सटॉर्शन। लेकिन यहां पर जो डर है ये भविष्य का डर है, एक्सटॉर्शन का जो डर है, जो थ्रेट है, धमकी है, वो ऑन स्पॉट नहीं है। ऑन स्पॉट मतलब वर्तमान या तत्काल भय नहीं है। तत्काल भय यदि होगा तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वो रॉबरी में कन्वर्ट हो जाता है। उदाहरण के तौर पर कोई व्यक्ति आपको सड़क मार्ग पे मिलता है और उसने चाकू निकाला और आपके सामने रख दिया और ये कहा कि ये गोल्ड चेन, अपनी चेन मुझे दे दो, अपना वॉलेट दे दो, और आपका गोल्ड चेन वॉलेट देकर चला गया कि नहीं दोगे तो मैं तुम्हें चाकू से मार दूंगा। तो यहां पर जो भय है ये तत्काल भय, तो ये तो रॉबरी हो गया, यानी वो व्यक्ति लूट के चला गया, एक्सटॉर्ट करके नहीं गया। एक्सटॉर्शन में भय जो होता है भविष्य का होता है, इट इज ऑफ फ्यूचर नॉट ऑफ प्रेजेंट। तो इस प्रकार एक्सटॉर्शन का जो बड़ा रूप है वो रॉबरी है। तो रॉबरी जो है एक्सटॉर्शन का एक रूप है लेकिन वो बड़ा रूप है, इट्स अ बिग डायमेंशन। तो इन तीनों में अंतर ये होता है कि थेफ्ट में तो पता ही नहीं होता है चोरी होगी प्रॉपर्टी, क्योंकि इधर जिस व्यक्ति की प्रॉपर्टी चोरी होती है उस व्यक्ति को नॉलेज भी नहीं होता जब चोरी होती है। एक्सटॉर्शन में व्यक्ति डर में डाल के प्रॉपर्टी ले रहा है लेकिन ये डर भविष्य का होता है, और रॉबरी में जो डर होता है ये प्रेजेंट का डर होता है, तत्काल उपहति, तत्काल गंभीर चोट और तत्काल मृत्यु का भय होता है। तो इस प्रकार ये रॉबरी कहलाता है। 390 में यदि हम रॉबरी की डेफिनेशन जब पढ़ते हैं, हम लूट की परिभाषा देखते हैं, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग उसमें कहा गया है कि इन एवरी रॉबरी, हर रॉबरी में, हर लूट में आइदर देयर इज थेफ्ट आइदर देयर इज एक्सटॉर्शन। तो रॉबरी की परिभाषा में ये कहा गया है कि प्रत्येक लूट में या तो चोरी होती है या ही एक्सटॉर्शन होता है। तो एक्सटॉर्शन कब लूट में बदल जाता है, जब ये भविष्य का जो भय था वो वर्तमान में आ जाता है, तो वो एक्सटॉर्शन नहीं रहता, वो क्या बन जाता है, रॉबरी बन जाता है। सो इट इज ऑल अबाउट रिगार्डिंग एक्सटॉर्शन। तो मैंने आपको एक्सटॉर्शन के बारे में बताया, एक्सटॉर्शन को इसके केस लॉज और इसके एसेंशियल एलिमेंट्स के लिए अगला वीडियो में अपलोड करूंगा। आई थिंक एक्सटॉर्शन वाला पोर्शन आपको क्लियर हुआ होगा। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल लॉ इजी। थैंक यू सो मच।